नमस्कार मित्रों, मैं हूं एसके अनिल। और 1 मई से मैं सर्वतोभद्र चक्र के ऊपर एक क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। जिन लोगों को सर्वतोभद्र चक्र सीखना हो वो मुझे कॉल कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे आप में से लोगों ने बार बार पूछा है कि सर्वतोभद्र चक्र की ऑनलाइन क्लासेस जो है ना, वो कब से शुरू हो रही हैं। 1 मई से ये जो क्लासेस हैं वो आरंभ हो रही हैं। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कोर्स की जो डिटेल है वो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो है, मैं आपको नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा, आपके जन्म नक्षत्र का जो फल है वो कैसा होता है, आपके जन्म नक्षत्र से आगे जो 27 नक्षत्र हैं वो किस प्रकार से अपना फल देते हैं, पहले 10वें और 19वें नक्षत्रों का फल कैसा होता है, 16वें और 18वें नक्षत्रों का फल कैसा होता है, 25, 26 और 27वें नक्षत्र का फल कैसा होता है, 23वें जो नक्षत्र का जो फल है वो कैसा होगा, इसके साथ में जो लत्ता है, लत्ता यानी कि किक मारना, यहाँ पे आपके जन्म नक्षत्र से 9 के 9 नक्षत्र एक विशेष नक्षत्र पर जब ट्रांजिट करते हैं तो बहुत ही एडवर्स रिजल्ट देते हैं। चाहे वो आपकी कुंडली में कितनी ही शुभता लिए बैठे हों, कितना ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हों, लेकिन जब वो उस पर्टिकुलर नक्षत्र पे पहुंचेंगे तो बहुत ही बुरा रिजल्ट जो है वो आएगा। ये तो लगता हो गया। एक होता है SMT, स्पेशल मेलिफिक ट्रांजिट। ये जो स्पेशल मेलिफिक ट्रांजिट है, ये आप देखेंगे कि जब एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से पर्टिकुलर स्टार पे जब ट्रांजिट करता है तो बहुत ही एडवर्स रिजल्ट देता है। इसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद में हम सीखेंगे पंचशलक वेद के बारे में। पंचशलक वेद क्या है? जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है, तो वैसे ही आपकी कुंडली में 5 तत्व होते हैं, जिसमें आपके चंद्रमा का जो साइन है, राशि जो है वो आती है, नक्षत्र आता है, नक्षत्रों के चरण के हिसाब से जो है वो नाम का अक्षर आता है, नाम के अक्षरों का एक स्वर होता है वो आता है, और तिथि आती है और दिवस आता है। इसे हम पंचशलक बोलते हैं। तो जब कोई शुभ ग्रह इन पंचशलक का वेद करता है तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, और जब अशुभ ग्रह इस पंचशलक का वेद करते हैं तो रिजल्ट बहुत बुरा आता है। कैसा अच्छा आता है, कैसा बुरा आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक आपके जन्म नक्षत्रों से एक खास नक्षत्र का चरण होता है, उस नक्षत्र चरण पे यदि कोई भी ग्रह गोचर कर ले या उसको वेद कर दे, वेद का मतलब एस्पेक्ट, तो रिजल्ट बहुत ज्यादा बुरा आता है, यहां तक कि मृत्यु तक हो जाती है। इसके बाद हम सीखेंगे जो आपका नेचुरल डिजास्टर्स है, जैसे सुनामी का आना, जैसे सूखा या अकाल पड़ जाना, जैसे किसी स्थान विशेष पे भूकंप का आ जाना, ज्वालामुखी का फूट जाना, ऐसा जो फलादेश है उसको करने के लिए ग्रहों का ट्रांजिट किस प्रकार से, किन किन नक्षत्रों पे, कब, कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपने बहुत सारी जो है ना वो सर्वतोभद्र चक्र की क्लासेस ली होंगी, पढ़ा होगा, लेकिन आपने ये बहुत कम पढ़ा होगा या फलादेश करने की विधि बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि किसी स्थान विशेष पे कोई जलजला या नेचुरल डिजास्टर कब आ सकता है या कब आने की संभावना होगी, कहाँ पे सुनामी आ जाएगा, कहाँ पे सूखा और अकाल पड़ जाएगा, कहाँ पे भूकंप आएगा, कहाँ पे ज्वालामुखी फूटेगा, कहाँ पे कब जो है ना किस प्रकार की कोई जो अप्रिय घटना घट जाएगी, किस जाति विशेष के ऊपर घटेगी, ये यहां तक भी आप फलादेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप शेयर मार्केट और इक्विटीज के बारे में, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में जो है वो, निफ्टी के बारे में,
आप फलादेश कर सकते हैं। इन सभी चीजों का छोटा छोटा हिंट जो है ना वो मैं आपको दूंगा, जो शेयर मार्केट है और जो निफ्टी है, किस प्रकार से आप फलादेश कर सकते हैं, कौन सा शेयर बढ़ेगा कब बढ़ेगा, कौन सा शेयर घटेगा कब घटेगा, ये आप समझ पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके साथ साथ में आप किसी समुदाय के बारे में फलादेश कर सकते हैं, किसी देश के बारे में फलादेश कर सकते हैं, कौन सा जो डिजास्टर है वो कौन से देश के कौन से हिस्से में आएगी, यहां तक भी आप फलादेश कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सर्वतोभद्र चक्र है इसका एक एडवांस कोर्स जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं 1 मई 2021 से। आप जितने भी लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं और इसमें अपना नामांकन करा सकते हैं। इस कोर्स की फीस और दूसरी डिटेल आपको फोन पे दी जाएंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोर्स है सर्वतोभद्र चक्र का एडवांस कोर्स, ये बहुत रोचक होने वाला है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और भी दूसरी जानकारियों के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना ही और आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।